नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे लेटेस्ट सीबीएसई क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है कि इफ 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। ऑप्शन ए में कह रहा है 5/12, ऑप्शन बी में कह रहा है 12/13, ऑप्शन सी में कह रहा है 5/13 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है 12/5। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया गया 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस 12 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहां से हो जाएगा 5 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, और ये सपोज दैट एक्यूट एंगल यहाँ पे लेट कर लेते हैं थीटा है। तो देखिये इस थीटा के ठीक सामने एक्यूट एंगल के सामने साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 12 है। ये हो जाएगा 12 और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ बेस है, बेस का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है। हम यहाँ पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी, पी का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एच इक्वल टू रूट अंडर 12 का स्क्वायर करें तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको ऐड करेंगे तो एच इक्वल टू रूट अंडर 169 और 169 का रूट कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। ये हो जाएगा 13। अब हम लोग देखिए, हम लोग वैल्यू किसका निकालना, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, लिखेंगे नाउ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 12 है। ये हो जाएगा 12 अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 12/13। देखिए यहाँ पे 12/13 कौन सा ऑप्शन है, 12/13 ऑप्शन है बी, इसको टिक कर लीजिए और यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा e। ऑप्शन ए में कह रहा है -17/7, ऑप्शन बी में कह रहा है 17/7, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 17/13 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है -7/13। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका इसमें पुट कर देंगे, फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया बताइए, 5/12 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, इस एंगल के ठीक सामने साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 5 है और ये 90 है। तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस कितना दिया, 12, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। देखिए लिखेंगे देयरफॉर हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर, पी कितना है 12 है, हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है दोस्तों, देखिए पी कितना है, पी का वैल्यू है 5 है। यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आगे इसको सॉल्व करेंगे
तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 169 हो जाएगा। तो रूट अंडर 169 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट से इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, अब दोस्तों देखिए पिछला पेज से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 5 है, बेस का वैल्यू कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना 13। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालना है, थोड़ा पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना निकला 13। फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला बी अपॉन एच, तो बी कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13। अब इस दोनों वैल्यू क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना 5 अपॉन में 13 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना 12 अपॉन में 13। तो साइन थीटा का वैल्यू 5 अपॉन में 13 माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया 13, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 अपॉन में, यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 13, ये होगा 5 माइनस 12, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 17 अपॉन में 13 अपॉन में 5 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 7 अपॉन में 13। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 17 अपॉन में माइनस 7। अब दोस्तों देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली हो जाएगा माइनस 17 अपॉन में 7। तो दोस्तों देखिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस 17 अपॉन 7 कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे माइनस 17 अपॉन 7 फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ए, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और यहाँ पे इसको टिक कर लीजिए। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है कि इफ 2 tan A = 3 दिया गया है, देन फाइंड देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A + 3 cos A / 4 sin A - 3 cos A। ऑप्शन ए में कह रहा है 7/√13, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/√13, ऑप्शन सी में 3 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन 2 tan A = यहाँ पे दिया गया 3, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे tan A का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। tan A मतलब हो गया कि एंगल यहाँ पे क्या है ए है, इस एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, इसके ठीक सामने हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी का वैल्यू है 3 और ये 90 है, तो 90 सामने तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, बेस दिया है तो बेस का वैल्यू हो गया 2 हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करें यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, लिखेंगे देयरफॉर एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर पी, पी का वैल्यू कितना 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, एच का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी कि एच का वैल्यू हो गया रूट अंडर 13। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए एच के जगह पे हो गया रूट अंडर 13। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू निकालना है 4 sin A + 3 cos A / 4 sin A - 3 cos A। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है और कॉस है, तो साइन और साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, और देखिए दोस्तों पिछला पेज हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 है, बेस का वैल्यू कितना है 2 है और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना 13 है। इसका वैल्यू हम निकालना है तो साइन और कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेकिन देयरफॉर साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए का फॉर्मूला वही हो जाएगा पी अपॉन एच, पी का वैल्यू कितना है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना रूट अंडर 13। कॉस ए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बी कितना है 2, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 13। अब इसका वैल्यू से पुट कर दीजिए, देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना है 4 sin A + 3 cos A / 4 sin A
माइनस थ्री कॉस है, वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा फोर इंटू, देखिए फोर साइन का मतलब क्या, फोर इंटू साइन है, साइन का वैल्यू है थ्री अपॉन रूट हंड्रेड थर्टीन प्लस थ्री कॉस है मतलब थ्री इंटू कॉस है, कॉस का वैल्यू कितना टू अपॉन रूट हंड्रेड थर्टीन अपॉन में, फिर फोर साइन है तो फोर इंटू साइन है, साइन का वैल्यू थ्री अपॉन रूट हंड्रेड थर्टीन माइनस थ्री इंटू कॉस है, कॉस का वैल्यू कितना टू अपॉन रूट हंड्रेड थर्टीन। अब इसे आगे देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन रूट हंड्रेड थर्टीन प्लस थ्री टू या सिक्स अपॉन में रूट हंड्रेड थर्टीन अपॉन में फोर इंटू थ्री ट्वेल्व अपॉन में रूट हंड्रेड थर्टीन माइनस थ्री इंटू टू सिक्स अपॉन में रूट हंड्रेड थर्टीन। अब इसे आगे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, रूट हंड्रेड थर्टीन एज इट इज, ये हो जाएगा दिस प्लस दिस यानी कि ट्वेल्व प्लस सिक्स अपॉन में, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है रूट थर्टीन एज इट इज, ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस सिक्स। आगे देखिए यहाँ पे तो 12 प्लस सिक्स हो जाएगा 18 अपॉन में रूट अंडर 13 अपॉन 12 में 6 जाएगा तो जाएगा 6 अपॉन में रूट अंडर 13। देखिए रेसिप्रोकल होगा तो नेक्स्ट स्टेप में रूट 13 से रूट 13 कट जाएगा, 18 अपॉन में 6 कैंसिल कीजिए, 6 वन जा 6 थ्री जा, इसका आंसर हो गया 3। अब दोस्तों देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, इसको टिक कीजिए और यहाँ पे इसका आंसर लिखिए सी। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, वीडियो यदि अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए आप उसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कर दीजिए बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।